हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बनाए हो? वाकई बनाए हो? एक को प्रॉब्लम आई है। चलिए, इनको प्रॉब्लम आई देखेंगे। वह मैं बड़ा लिख रहा हूँ, उसकी इस वाक्य में इनको प्रॉब्लम आई, बताइए। देखिए, ये वाक्य जो समझते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं जानते हैं उनको आप भी बताइए, क्योंकि आप लोग भी जानकार हैं, बताइए उन्हें। आपने इस वाक्य में दिक्कत पाया? क्या दिक्कत पाया? ये तो समझ गए, ये समझ गए, ये जो स्त्री लग गए ये नहीं समझे। ये स्त्री मतलब क्या है ना? देखो, ये समझ गए, ये समझ गए, और ये समझ गए, हो गया, ठीक है। अब ये वाक्य को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई संबंध बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। इस किताब की संबंध किनसे है? उसकी से। इसकी संबंध किससे है? किताब से। और किताब की संबंध किससे है? उसकी। अब ये उसकी कौन है? ये उसकी कौन है? ये जो है, ये पर्सन कौन है? तो ये बताते हैं कि कोई स्त्री है। तो स्त्री के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हर, ये यूज़ करते हैं ना, तो हर को यूज़ करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन, एक नंबर, सेकंड लिखेंगे, और थर्ड को थर्ड, ये, और फोर्थ ये, और ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ बताए हैं, इंडिकेट किए हैं आपको। हमने कल भी बताया था ना कि कभी कभी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर जहाँ दिया हो वो तो हम करेंगे। तो यहाँ पर तो दिया है, ये उसकी का संबंध बता रहा है। स्त्री मीन्स कोई लड़की है या कोई औरत है, कोई भी हो, ठीक है। स्त्री, तो स्त्री के लिए हम लोग कल देखे थे यूज़ करेंगे वह की, दैट, दैट इज हर कैचिस बुक। खत्म हो गए, ठीक है, बस यही है। दैट इज हर बुक, दैट इज हर बुक। ये संकेत इनकी किए हैं कि ये हैं। अगर ये नहीं दें, सपोज देख लो, अगर ये हिंट्स में नहीं देते, नहीं दिए, तो अब ये बताओ ये उसकी कौन है? ये हैं, सॉरी, या ये हैं? पता चलता है दोनों में कौन है? पता नहीं चलता है, इसीलिए हिंट्स में दे देते हैं। ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, या डायरेक्ट रहेंगे पुरुष या स्त्री। क्लियर, क्लियर रहेंगे?
आप सारे लोग क्लियर होंगे, जिनके पास ये प्रॉब्लम होगी वो। और एक ले लो ये दोनों की दे। ठीक है, ये वह पुरुष को बताता है और ये सी वह स्त्री बताता है। ठीक है, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मेरी या मेरे, जो भी लिखो। ठीक है, जो भी लिखो मतलब तीनों में कोई एक, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी, सॉरी, ओ ठीक था, तुम्हारे और तुम्हारे, ये उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, और ये हर की, ये भी सेम, ये और दे के वे लोग। और ये ही आप सिर्फ जानते हो वह, लेकिन ही का वे भी होता है। मैं अगर लिख दूं वे तो आप दे नहीं लिखोगे, जो मैं लिखूं वो आप लिखो। क्लियर। दूसरी चीज, अगर मैं लिख दिया वे की ही, तो इसे ना आप क्रॉस कर सकते हो और ना ही कोई दूसरे, सॉरी तीसरे, कोई भी पर्सन नहीं कर सकते हैं क्रॉस। वे का प्रयोग आदर सूचक वाक्य में, जब हम किन्हीं को आदर सूचक शब्द देते हैं वे का, और वो पर्सन सिंगुलर नंबर के, सॉरी, जब वो पर्सन सिंगुलर नंबर में होते हैं, फर्स्ट पर्सन में, तब हम लोग वे को ही करते हैं, और सिंगुलर नंबर के वो थर्ड पर्सन में होंगे, है ना। और आदर सूचक शब्द होता है वे, जैसा
पीछे भी बताया हूँ मैं, एक पर्सन और थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, आज वो क्लियर हैं। सेम उसी तरह मुझे आप में लगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, है ना। अगर सपोज मानो आप कॉलेज जाते हो और आपके कोई टीचर हैं, प्रोफेसर, वो आ रहे हैं, तो आप देखकर अपने मित्र के साथ आप हैं, तो आप देखकर आप क्या बताएंगे कि वह आ रहा है या वे आ रहे हैं। वे करते हैं ना, आदर सूचक शब्द हैं ये। जब ये आदर सूचक शब्द हो और सिंगुलर नंबर में हो, तब हम लोग इस वे को ही में करते हैं, ना कि दे में। और यही वे जब प्लुरल नंबर में हो, प्लुरल हो मीन्स संख्या एक से अधिक हो, तब आप दे की यूज करेंगे, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ये सारा चीज़ आप लोगों को कमांड है। अब देखो, माय, हिज, योर, हर, दियर। मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हूँ, कोई बात नहीं है। ये जब भी आपके आ जाए वाक्य में, तो याद रखोगे कि ये चीज़ हमारे सब्जेक्ट हैं, बट सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रहेंगे। मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट में होगा, बट इसके बाद हम लोग इज, वॉज, विल बी, तीन ही साउंड है ना, एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की और एक फ्यूचर की, तीन साउंड है। अब यहाँ करो इज, यहाँ भी करो इज। इन शब्द के बाद, इस वर्ड के बाद हमारा कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा और हम नहीं लिखेंगे। तो क्या आएगा इसके बाद? हमेशा, ऑलवेज, नाउन ही आएगा, नाउन, 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 नाउन। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। लिखते लिखते आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या लिख दिए, एच बी, एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो अभी लिखा था ना मैं फर्स्ट में, हेल्पिंग वर्ब ये है, एम, इज, आर, वॉज, वर एंड विल बी, यस, हैज, हैव, हैड, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेड, माइट,
ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे ठीक है। मेरी कलम, लाल है तुम्हारी बहन लंबी है ठीक है। तो हमेशा मेरी, मेरी का क्या क्या वर्ड था, मेरी का वर्ड क्या था, माय 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 के साथ हमने मना किया है एम इज आर नहीं लिखने को, आप भी नहीं लिखोगे। तो मेरी के बाद क्या चीज़ है, कलम, मेरी के बाद कलम, कलम को लिखो माय पेन। अब लास्ट में चलेंगे ये इस क्या है, लाल। ठीक है, माय पेन इज रेड, तुम्हारी बहन लंबी है, योर योर सिस्टर इज स्टार, योर सिस्टर इज स्टार, माय फैन इज रेड। ठीक है, बस इसी तरह जो आपके दिए हैं हिंट्स में सारे करोगे। और एक ने बताया कि ये वाक्य भी लिख दीजिए, तो जो आज बताया इनका और जो इनसे पहले बताया था कल, वो दोनों वाक्य मैं लिख दूंगा, पांच पांच हो या दस दस हो, जितने हो मैं लिख दूंगा। जिनके पास बुक नहीं है वो बनाएंगे, और मैं जो भी लिखता हूँ बोर्ड पर, अगर मैं लिख दिया मानो ये तीन वर्ड अगर मैं लिख दिया, तो आप भी ये चीज़ लिख लो, मेरे से पूछो मैं क्यों लिखा, मैं बताऊंगा। और अगर मैं लिख दिया हूँ तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि कभी ना कभी ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा और मैं बताऊंगा। जैसा मैं लिखूं सेम वैसा आप भी लिखो, लेकिन अब जब बनाओगे तो ऐसा हो तो याद रखोगे माय या योर या हर प्लस हेल्पिंग भर प्लस नाउन, ये मत करना ठीक है, ये मत करना कभी, हमेशा इसके बाद नाउन आता है और नाउन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आता है, ये ध्यान रखना।
जब भी आप बनाओगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। दोनों एक्सरसाइज के सेंटेंस या दोनों तरह की बातों का 5 या 10 वाक्य मैं कल लिख दूंगा। आप लोग बनाओ, स्पीड में बनाओ, आहिस्ता बनाओ, स्लो इमोशन में बनाते हो या स्पीड इमोशन में बनाते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। बनाना आपको है। वर्ड की प्रॉब्लम आ सकती है, वर्ड नहीं समझ सकते हो, वो पूछोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई थी, क्या चीज था, मरणशील ना, मॉर्टल होता है ये, मैं क्लियर लिख देता हूँ, MORTAL, क्लियर। चलो बनाओगे, कोशिश करोगे बनाने की। अगर मान लो 10 मैं लिख देता हूँ, सपोज़ मानो मैं 10 वाक्य लिखा, ठीक है, और आप 10 बनाए, तो 10 में ऐसा तो हो सकता है कि आपका सेंटेंस 4 करेक्ट हो गया, 6 बचे, तो मीन्स आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको थोड़ी ट्राई करना है, थोड़ा समझना है। क्यों? क्योंकि 10 में आपके 4 आए, 6 नहीं, है ना। ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन बाद में दिखाऊंगा मैं। और आप बना रहे हो, आप अपना नाम बताओगे, आप अपना नाम बताओगे, अपनी आपके मोबाइल नंबर तो आ जाते हैं, ठीक है, अपना नाम बताओगे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो बताओगे, खुलकर बताओ, बिल्कुल शर्माना नहीं है किन्हीं को भी, कोई भी शर्माओगे पाओगे नहीं, है ना। जैसे एक ने पूछा मेरे से, ये मैं बता दिया, लिख दिया, तो हो सकता है कि उनको वाक्य को देखकर ना समझ आया हो, तो ऐसे चीज़ों के लिए मैं कल कर रखूँगा रेडी, ठीक है। चलो बाय।